जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, अब छत्तीसगढ़ में ओस की बूंदें जमती नजर आ रही हैं। प्रकृति ने सफेद चादर फैला रखी है। पेंड्रा में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, साथ ही मैनपाट, कवर्धा और सरगुजा में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते दिन यहाँ तापमान 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। कई जगहों पर ओस की बूंदें भी जम गई। 9 डिग्री सेल्सियस की ठंड से बचने के लिए लोग अब दिन में भी अलाव तापने को मजबूर है। साथ ही पेंड्रा से सटे अमरकंटक में भी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बात करें तो अभी भी तापमान और गिरने की संभावना है। स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन ने राहगीरों और आम जनता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था शुरू नहीं की है। आसमान से बादल छटने के बाद उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने जो छत्तीसगढ़ के मौसम है इसको और अधिक सर्द कर दिया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जंगल और पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी अब कड़ाके की ठंड हो रही है। अंबिकापुर और पेंड्रा से लेकर कवर्धा के पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जसपुर के पंडरापाट इलाके में 4 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है और ओस जमने की वजह से घास से लेकर के पुआल तक हर जगह पर बर्फ की चादर अब नजर आने लगी है। बता दें कि उत्तर से ठंडी हवा के असर की वजह से ये सब हो रहा है। 46,616 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप 22 तारीख को होगा आयोजित। दरअसल जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के मार्गदर्शन में 46,616 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आवेदकों के लिए 22 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया गया है। जिला रोजगार विभाग के उपसंचालक के मुताबिक ऐसे आवेदक जिन्होंने ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता एवं व्यक्तिगत जानकारी की विवरणी भेजी है, वे आवेदक उक्त निर्धारित दिन को शासकीय आईटीआई सड्डू, साथ ही लाइवलीहुड कॉलेज जोरा एवं गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज रायपुर में से किसी भी एक स्थल पर उपस्थित होकर साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में 28 नियोजक, जबकि शासकीय आईटीआई सड्डू में 25 नियोजक एवं शासकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में 15 नियोजक भर्ती के लिए उपस्थित रहेंगे। उनके मुताबिक नियोजकों के नाम एवं उनके द्वारा अधिसूचित रिक्तियों की जानकारी वृहद रोजगार मेला का आवेदन पत्र जिला प्रशासन रायपुर की वेबसाइट raipur.gov.in या फिर रोजगार विभाग की वेबसाइट cgemployment.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसको भरकर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में बनने वाले मकानों के निर्माण पर अब केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 से पहले मंजूर किए गए आवासों के लिए अब केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। इसके मुताबिक अगले 12 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनने वाले मकान यदि बनने शुरू नहीं होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मकान को निरस्त कर दिया जाएगा या फिर इनकी संख्या में कटौती कर दी जाएगी। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले इन मकानों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू करना होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी निकायों को चेतावनी भी दी है कि तय सीमा में मकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। इसके पहले भी बता दें कि कटौती करी जा चुकी है 2017 में, 2022 में। और बात करें तो इसके अलावा अब भी यहां पर इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। 2017 से 2021 के बीच कुल 38,853 मकान स्वीकृत हुए, बाद में से इनमें 6,181 मकान निरस्त कर दिए गए। वहीं 2022 में भी 7,729 मकानों की कटौती की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है। 8 सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी कर दिया है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीते दिन मोर्चा खोला है और 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि नियमित करने, वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 14 दिसंबर से
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसके पहले भी सरकार को अपनी मांगों के प्रति अवगत कराने के लिए इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है, मगर सरकार के कानों तक इनकी आवाज नहीं पहुंची या फिर शायद उन्होंने इस आवाज को इग्नोर कर दिया। फिलहाल ये सभी बातें यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जानकारी के माध्यम से दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने सरसीवा तहसील बनने की सौगात दी। पावनी और सरसीवा को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरसीवा पहुंचे। यहां बिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने उनके समक्ष कई मांगे रखी। इन पर मुहर लगाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत पावनी और साथ ही ग्राम पंचायत सरसीवा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। साथ ही 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने की भी घोषणा की। सरसीवा को तहसील बनाने की घोषणा करी गई। उसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करते हुए बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने अपग्रेड करने की घोषणा की। इसके साथ ही कई अन्य घोषणाएं भी की। इसके बाद उपस्थित लोगों ने उनका ताली बजाकर अभिनंदन किया। आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ में लगातार गहराता जा रहा है। भर्तियों पर पेंच अभी भी अटका हुआ है। दर्जन भर परीक्षाओं के रिजल्ट फंसे हैं और इससे 5.25 लाख उम्मीदवारों की जो यहां पर भविष्य है वो अधर में लटकी हुई है। छत्तीसगढ़ के 5.25 लाख उम्मीदवारों पर आरक्षण का पेंच भारी पड़ा है। इस साल राज्य सेवा परीक्षा 2021, वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सर्विस, प्यून भर्ती समेत अन्य दर्जन भर भर्ती परीक्षाएं लटकी हुई हैं। रिजल्ट भी तैयार किए गए हैं लेकिन आरक्षण की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो पाए हैं। जब आरक्षण का मामला गहराता जा रहा है ऐसे में इन भर्तियों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो रहा है। भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। आरक्षण विवाद की वजह से उनमें हताशा का माहौल है। इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि इस साल PSC के माध्यम से वन सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिजियोथेरेपिस्ट, प्यून भर्ती समेत CMO और साइंटिफिक ऑफिसर की भर्ती के लिए भी परीक्षा आयोजित हुई। इसी तरह व्यापम ने भी वैज्ञानिकों की भर्ती परीक्षा आयोजित करी। पुलिस भर्ती के तहत दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक माप परीक्षण भी हुआ लेकिन ये सब अभी भी अटके हुए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इको टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह के पहले म्यूजियम की विशेषताएं बता दें कि सोनाखान में सहकारी बैंक, गिरौदपुरी में STM ऑफिस भी बनने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन बलौदाबाजार जिले के सोनाखान पहुंचे। यहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यहां शहीद वीर नारायण सिंह इको टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण किया। सोनाखान के कुर्रुपाट के घने जंगलों में प्रकृति के बीच इस कलाकृति को आकार दिया गया। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला ऐसा म्यूजियम है जहां ऑडियो विजुअल सेटअप के माध्यम से एक विशेष धातु कार्टन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। खास बात यह है कि यह मेटल प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएगी। हरियाली के बीच जो है इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। 30 दिसंबर तक बूथ गठन का टारगेट रखा जा रहा है। हर घर में भारत जोड़ो यात्रा का स्टिकर लगाएगी कांग्रेस, मोदी सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। इसके तहत कांग्रेस के नेता हर घर जाकर भारत जोड़ो यात्रा का स्टिकर चिपकाएंगे। साथ ही मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। 2 माह तक चलने वाली इस यात्रा के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठक करके रणनीति बनाने के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित कर ली गई है। सभी जिलों में 30 दिसंबर तक बूथों का गठन पूरा करने का निर्देश भी आया हुआ है। साथ ही बात करें तो राजीव भवन में PCC चीफ मोहन मरकाम तथा प्रभारी सचिव चंदन यादव की अध्यक्षता में बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, बूथ गठन तथा आगामी प्रशिक्षण शिविर को लेकर बातचीत की गई। राष्ट्रपति से मिलने पहुंची राज्यपाल, कल अमित शाह से मिली थी और ऐसे में मुख्यमंत्री बोले कि उनको आरक्षण कानून नवी अनुसूची में शामिल करने की कन्विंस करना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जहां पर राज्यपाल ने इसके अलावा इसके पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर ली गई है। इसके दौरान बात करें तो दोनों नेताओं के बीच राज्य के मसले पर चर्चा की गई और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल
केजरीवाल वहां गई हैं तो राष्ट्रपति को आरक्षण विधेयकों को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए कन्विंस करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। ऐसे में राज्यपाल ने इस दौरान राष्ट्रपति को प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दोनों संवैधानिक प्रमुखों के बीच छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी बातचीत हुई है। हालांकि राजभवन ने इस बातचीत की अधिकृत जानकारी नहीं दी है। भाजपा को लगा है बड़ा झटका। प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पीसीसी अध्यक्ष ने 2023 में चुनाव जीतने का दावा भी इसी के साथ किया है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा सीट भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वही एक बार फिर भाजपा को जोर का झटका लगा है। नगर पालिका मुंगेली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तीनों पार्षदों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला लिया है। मुंगेली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी। जिले के 3 सीटों को 2023 में चुनाव हम जीतेंगे। फिलहाल भाजपा पार्षद संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े और मोतिम बाई सोनकर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। सीआईडी के अभिजीत पहुंचे आत्मनंद स्कूल। पहली बार सामने देखकर बच्चे खुश हो गए, खूब इनके साथ सेल्फी भी खिंचाई। फिल्म मुनुरेन को लेकर के टीम ने जमकर खरीदारी भी की है। जसपुर जिले में मुनुरेन फिल्म की शूटिंग के लिए आई टीम स्वामी आत्मनंद स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। सीआईडी सीरियल के अभिजीत यानी आदित्य श्रीवास्तव, नेशनल अवार्ड विनर उषा जाधव, आकांक्षी पिंगले, डायरेक्टर अविनाश दास, कनिका वर्मा, स्निग्धा मोंडल, साथ ही प्रोड्यूसर अनीस रंजन को देखकर के बच्चे उत्साहित तो उठे। उन्होंने फिल्म की टीम के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और कलाकारों से खूब सवाल भी पूछे। फिल्म की टीम ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया। छात्र छात्राओं ने भी कहा कि अभी तक हम लोगों ने आदित्य श्रीवास्तव यानी सीआईडी के अभिजीत को सीआईडी सीरियल में ही देखा था, लेकिन आज उनसे आमने सामने मिलकर बहुत खुश हैं। आदित्य ने भी बच्चों के जीवन में अपने लक्ष्य बनाकर अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।